तो फिर भारत चाहे जो मर्जी बनाए, हम हमेशा की तरह भारत को धूल चटा देंगे। ईआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट क्लियर किया है अग्नि 5 मिसाइल का, इस हवाले से आप क्या? वो उनके वैसे ही छक्के छुड़ा देगा। और दूसरी सबसे अहम बात जो है, मैं समझता हूँ कि अब ये एटम बम का ज़माना चला गया है, अब जो अगला टाकरा है ना जी, वो अगला टाकरा सिर्फ वेल्थ के ऊपर होगा, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। अगली जो जंग होगी वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जंग होगी। हमारे ज़रूरतमंद हैं, आप दुनिया की हर जंग जीतेंगे, आप वेल पावर्ड हैं, हम भी वेल मसल्ड हैं, तो हमने हमेशा धूल चढ़ाई है, अब भी चढ़ाएं। आप मिसाइल पूरे खिते में स्ट्रांग हो चुका हुआ है, ऑलरेडी पावरफुल था लेकिन अब और स्ट्रांग हो चुका हुआ है। देखें, इंडिया पाकिस्तान को नहीं फॉलो कर रहा, ना फ्रांस को कर रहा है, ना यूएसए को, वो चाइना के साथ कम्पीट करने जा रहा है। आप चाइना को इंशाल्लाह सुपर पावर देखेंगे, और वो एशिया पे तो अभी राज कर ही रहा है, वो दुनिया पे राज करेगा। सर जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में दिखाने वाले भाई कैसे पाकिस्तान के लोग हैरान हो गए हैं। उनको डर लगने लगा है कि यार इंडिया इतनी मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च किए जा रहा है, टेस्ट किए जा रहा है, इन्होंने तो चाइना के भी जो है फिल्टर शॉर्ट कर दिए है, तो हमारा तो क्या ही बचा होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों के बहुत ही अच्छे से रिएक्शन आया, सरप्राइजिंग रिएक्शन आया, तो चलिए देखते हैं वीडियो को। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट क्लियर किया है अग्नि 5 मिसाइल का, इस हवाले से आप क्या कहें? यार ये तो हक है उनका कि वो अपना दिफा करें, और अपने दिफा में, अपनी वेलफेयर में वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी को मजबूत करें, लेकिन हमारा जो गौरी है वो उनके वैसे ही छक्के छुड़ा देगा। और दूसरी सबसे अहम बात जो है, मैं समझता हूँ कि अब ये एटम बम का ज़माना चला गया है, अब जो अगला टाकरा है ना जी, वो अगला टाकरा सिर्फ वेल्थ के ऊपर होगा, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। अगली जो जंग होगी वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जंग होगी हमारी, और इस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फाइट में सिर्फ एक ही मुद्दा होगा जंग को जीतने का, सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन होगा जंग जीतने का, कि ओनली वेल्थ विंस एवरी वॉर। सर अगर आप दौलतमंद हैं, आप दुनिया की हर जंग जीतेंगे। आप देखें सुपर पावर जो है अमेरिका, आप देखें जो पैसे में हमसे तगड़े हैं, जो टेक्नोलॉजी में हमसे तगड़े हैं, वो अपने हथकंडे भी आजमाते हैं, वो अपनी लॉबी भी बनाते हैं, और उनकी जो इंटरनेशनल लॉबी होती है या जो उनके मफाद के लिए जो लॉबी क्रिएट की जा रही होती है, वो जिस मर्जी मुल्क से चाहे मफाद हासिल कर सकते हैं। हमारे मुल्क में जो जिस लॉबी ने काम किया वो आप सबके सामने, अफगानिस्तान में जिस लॉबी ने काम किया वो आपके सामने, सीरिया, लबनान, इराक में जिस लॉबी ने काम किया वो आपके सामने है। इट्स टाइम टू बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी की जानिब जाना पड़ेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होंगे तो फिर भारत चाहे जो मर्जी बनाए, हम हमेशा की तरह भारत को धूल चटा देंगे। इस हिसाब से तो भारत जिस तरह अपनी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं देखा भारत की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, अभी तो वो काम कर रहा है ना, जब ये एक्सपेरिमेंट करेगा तब सब ठुस हो जाएगा। पहले कितने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ उनका? सर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया होगा या हुआ है तो मैं मुझे इस बारे में कोई इतना ज़्यादा अभी होनो नहीं है, लेकिन अगर इनका ये सक्सेसफुल हुआ है तो वो मत भूले कि हम भी वेल पावर्ड हैं, हम भी वेल मसल्ड हैं, तो हमने हमेशा धूल चढ़ाई है, अब भी चढ़ाएं। आप मिसाइल की बात कर रही हैं, मेरी नज़र में तो बहुत चीज़ों में आगे निकल चुके हैं। जहाँ तक बात रही मिसाइल्स की, मैं तो देखता रहता, न्यूज़ फॉलो करता रहता, तो मिसाइल को अगर साइड पर रख के बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख लीजिए, डे बाई डे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी इकोनॉमी कैसे ऊपर जा रही है, कितनी ज़बरदस्त तरक्की कर रही है। लेकिन अगर मिसाइल की बात की जाए तो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गलत है, लेकिन मेरी नज़र में सही है, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, तो सब कुछ अलाउ है। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो, और जहाँ तक इस मिसाइल की बात है तो इससे अब इंडिया और, जैसे कह सकते हैं, पूरे खिते में स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है, ऑलरेडी पावरफुल था लेकिन अब और स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन चीज़ है इंडिया के लिए कि अगर इंडिया के इर्द गिर्द दुश्मन बैठे हुए हैं तो वो उसके साथ बआसानी खेल सकेगा, अब किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है उनके लिए। टेस्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया है। ये तो मैं मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की, इवन कि सब ऐसी कंट्रीज़ को करना चाहिए कि ये मिसाइल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी अगर दुश्मन या किसी से भी इंसान को डेंजरस जोन नज़र आता है तो उनके पास कोई वेपन्स, कोई इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ना अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे वो? यानी कि भारत का जो इकदाम है, जो उसने टेक्नोलॉजी टेस्ट की है, मिसाइल जो टेस्ट किया है और वो सक्सेसफुल भी रहा है, तो ये वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जाहिर बात उन्होंने 5 टेस्ट भी किए हैं, उनमें भी वो सक्सेसफुल ही रहे हैं, तो ये तो हर कंट्री को करना चाहिए। डजंट मैटर हमारे लिए, पाकिस्तानी के लिए तो कुछ भी मैटर नहीं रखता, क्योंकि वर्ल्ड जानता है कि हम भी एकेडमी ताकत हैं। तो अभी आपके सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, वो हमारे लिए बहुत काम कर चुके हैं, करके जा चुके हैं, और अभी हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एक किया तो हमारे चाकी के मुकाम पर भी हुए, और इससे पहले फ्यूचर्स में काफ़ी हो चुके हैं, सो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस हवाले से किसी किस्म की नहीं हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। कि अगर बात करें हम इसके रेंज के हवाले से, तो इसकी जो रेंज कहलाई जा रही है वो 5000 से भी ज़्यादा इसकी रेंज है, और इस ये पूरे खत्ते को कवर करती है इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज, इसमें चाइना भी शामिल है। ठीक है, चाइना के अलावा और भी यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल
मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है, क्या वो चाइना मतलब खत्ते में दोनों आपको पता है जैसे कि कंपटीटर बन चुके हैं, क्या वो उसकी टक्कर पे खड़ा होता जा रहा है इंडिया चाइना की, आप इसको कैसे देखें? देखिए मैं तो काफ़ी अर्से से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग पाकिस्तान वर्सेज इंडिया करते रहते हैं, लेकिन जो इंडिया है ना वो इंडिया जा रहा है चाइना की तरफ। जिस तरह चाइना ने अपने आप को साबित किया ना इस दुनिया में कितना पावरफुल चाइना ब्रांड बन चुका हुआ है कि यूएसए तक उससे डर रहा है, तो अगर हम देखें इंडिया पाकिस्तान को नहीं फॉलो कर रहा ना फ्रांस को कर रहा है ना यूएसए को, वो चाइना के साथ कंपीट करने जा रहा है, चाइना को अपना कंपेटिटर बना के उनके खिलाफ जा रहा है। और 5000 आपने रेंज बताई है इसकी मिसाइल की, तो मेरी नज़र में तो इस क्वाइट हाई, तो अब चाइना भी मुझे लग रहा है कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और चाइना हम सब जानते हैं कि जितना इस वक्त तरक्की कर रहा है तो मतलब ये दोनों सुपर पावर हैं इस वक्त एशिया की, मे बी ये वर्ल्ड की भी सुपर पावर अनकरीब बन जाए दोनों, भारत को और चाइना को, कि अब चाइना और जो भारत है या इंडिया है या विदेश कह लें कि वो अब आपस में कहीं उनकी टक्कर होगी, तो ऐसा सोचा जा सकता है? हमें अपने चाइनी दोस्त पर, हमें अपने दोस्त मुल्क चाइना के ऊपर बड़ा गर्व है, और वो उन्होंने तो भाई अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, अब अगला जो सुपर पावर है वो आपका चाइना बनने जा रहा है। अगर कहीं इंडिया का ये ख्याल है कि वो इस जंग में चाइना को पीछे छोड़ेगा, इस जंग में वो चाइना के ऊपर ओवरकम करेगा, तो ये सब उनकी खाम ख्याली है, ये उनके ख्याली पुलाव हैं, ये उनका वो चिल्ली चाट है, बल्कि वो चिल्ली चाट आप बोल दें कि वो चिल्ली चाट है सर, इस चिल्ली चाट के अलावा उनकी सिर्फ ये खाम ख्याली के अलावा वो गधे घोड़े पालें, वो इस तरह के खाम ख्याल पालें, उनका काम नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला करें। चाइना जो है इस टाइम वो एक रूलिंग सिचुएशन में जा रहा है, और जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है सर, जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, आप चाइना को इंशाल्लाह सुपर पावर देखेंगे, और वो एशिया पे तो अभी राज कर ही रहा है, वो दुनिया पे राज करेगा। देखा आपने भाई, ये चाइना की इतनी तारीफ करते रहते भाई, इतनी तारीफ करते चाइना की, मतलब चाइना को अपने लिए प्रमोट रखने की जरूरत नहीं भाई, उसको पाकिस्तान का बोलना है कि देखो हमने ये बना दिया, तुम भी जाके इसके दुनिया में चर्चे कर दो। दोस्तों इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च किया है, उसके बाद भाई पाकिस्तानी भी हिल गए हैं। इवन इंडिया ने ओपनली बोल दिया भाई हमारी जो है मिसाइल बीजिंग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक तुर्की तक के जाकर हमला कर सकती है। भाई इतना कुछ सुनने के बाद पाकिस्तानियों को हलचल हो गई कि यार ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तो अगर तुर्की में इसको मिसाइल को फोड़ सकते हैं तो हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है भाई अपनी मिसाइल से आगे रख देता कि हमारी मिसाइल्स बहुत अच्छी है, भाई तुम्हारी मिसाइल्स नहीं है, चाइनीज मिसाइल के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग और एक मोहर लगी हुई है। दोस्तों ये है भाई बेचारे पाकिस्तान भाई, इनको जो है इंडिया कुछ भी तरक्की करने लगता ना, इनको सिर्फ ये होती है कि मैं कैसे हम कैसे इस चीज़ को जो छुपाए अपनी बेइज्जती होने से बचा ले। वो बीच में अपना तो कुछ उनके पास है नहीं, पाकिस्तान के पास अपना तो कुछ है नहीं मिसाइल वगैरह, तो वो चाइना को बीच में लगा देते हैं कि देखो इंडिया से अच्छा तो चाइना है, अमेरिका से अच्छा तो चाइना है। तो यार तुम खुद को कंपेयर क्यों नहीं करते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं बोलते हो हम इंडिया से बेहतर है, हमारे पास ये है, तुम्हारे पास इवन है ही नहीं कुछ। अब तो भाई इंडियन सैनिकों ने जो चाइना वालों को भी वैसा मतलब मार मार के जो भगाया है, उसके बाद भाई पाकिस्तानियों की जो नींद थोड़ी हराम हो चुकी है कि भाई इंडिया कहाँ पहुँच चुका है और इंडिया जो है इतनी बड़ी हरकतें कैसे कर लेता है। हम तो चाइनीज को हाथ भी नहीं लगा सकते, तो उनको तार बांधे डंडों से पीट रहे। तो जी पाकिस्तान थोड़ा सा बुखलाता अब इस चीज़ पे कि इंडिया किस लेवल पर जाजू है। दोस्तों आप लोगों के इसके बारे में क्या राय है भाई, क्या सोचते हो आप इस बारे में, और अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च हुई है इसके बाद आपके क्या रहे से पाकिस्तान जो डर चुका है, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलने वाले आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।